ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो न्यू शॉपिंग पे है। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो मौसम चेंज होने पे आपको नए नए प्लांट मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ कलेक्शन हुआ, जो कुछ तो यूनिक प्लांट का है, जो मेरी विश लिस्ट थी भाई। मैं काफ़ी परेशान था कि मुझे प्लांट मिल जाए, पर वो मिल नहीं रहे थे। तो पहले तो एक दिन मैं क्या हुआ, नर्सरी पे गया तो मुझे टाइगर रोज़ का कलेक्शन अच्छा नज़र आया, और टाइगर रोज़ का जो प्राइस था वो भी काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे। 80 रुपये पर प्लांट मिला। और टाइगर रोज़ आप जो काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि जिन पे पैचेस होते हैं जिन फ्लावर पे, उनको टाइगर रोज़ बोलते हैं। देखिए जैसे ये, तो ये येलो वाले हैं सारे के सारे, रेड रंग के, और पैचेज इन पे येलो हैं। तो ये प्लांट मैंने ऐसी जगह रखे हैं जहाँ थोड़ी कम धूप आ रही है, उसका असर एकदम से नज़र आ रहा है, ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल इन्हें फिर छत पे लेके आ गया, मैंने इन्हें बालकनी में रखा था, पर अभी मैं इन्हें छत पे रखूंगा। तो मैंने 6 प्लांट टाइगर रोज के खरीदे थे, और हालत तो इनकी बुरी है पर ये ग्रो कर जाएंगे मुझे लगता है। जैसे जैसे कुछ इतनी बुरी है नहीं इनकी। और ये मैंने पॉट भी हाथों हाथ खरीदे थे, इनकी जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी हाथों हाथ खरीदा था। तो अभी इनकी हालत क्या है कि मैं धूप में रख रहा हूँ, और 1-1.5 हफ्ता इन्हें धूप में रखूँगा काफ़ी, तब इन पर कुछ अच्छा नज़र आएगा रिजल्ट। और इसके अलावा मैंने, और इनका जो प्राइस था वो मैं अच्छे बता दूँ आपको, प्लांट का जो प्राइस था वो 80 रुपये था, पॉट का जो प्राइस है वो 60 रुपये है इसका। ये जो हमारा ये शायद 10 इंच का पॉट है, इसका 60 रुपये प्राइस है। उसके अलावा ये मैंने ऑनलाइन जो प्लांट मंगाए थे वो है। तो ऑनलाइन प्लांट में से मेरा पहला ये है येलो गार्डेनिया का। येलो गार्डेनिया मैंने हरिद्वार में बहुत कोशिश करी, रामदेव जी के यहाँ, पता नहीं कितनी दूर दूर की नर्सरी में घूम के आ गया, ऋषिकेश तक की नर्सरी में भी चला गया, पर येलो गार्डेनिया मेरे को बिल्कुल नहीं मिला था। इवन मैं देहरादून भी गया था, मुझे वहाँ भी नहीं मिला। फिर एक ऑनलाइन एक मैम का यूट्यूब चैनल है, मैंने उनकी पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, तो उनके थ्रू मुझे मिला। और इसका जो प्राइस था ये उन्होंने मुझे 150 या 125 रुपये पर प्लांट दिया है। तो मैंने 2 प्लांट मंगाए हैं, ये एक पीछे वाला रखा और आगे इतना। मैं इनके ऑनलाइन आते हैं तो जल्दी वाला लीफ उतर जाती है, पर ये दोबारा ग्रोथ करने लग गए हैं। देखिए आपको ऊपर की तरफ ग्रोथ नज़र आएगी, देखिए ऐसे इसमें भी ग्रोथ नज़र आएगी। मैंने क्योंकि पिंचिंग कर दी थी तो अभी फिलहाल ये दोनों ग्रोथ कर चुके हैं। मैंने क्या करता है ना, कोई भी प्लांट आता है मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, उसे बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए, छोटे में लगाना चाहिए। ये जो प्लांट है मैंने ये रूट बॉल के साथ आए थे इसलिए मैंने बड़े पॉट में लगा दिए, पर जो वैसे आते हैं वो छोटे में। उसके बाद मेरा सबसे मतलब विश लिस्ट का जो प्लांट है वो बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है। मैं 1-1.5 साल से इसका इंतजार कर रहा था। इसे मैंने ऑनलाइन भी 2-3 बार मंगाया पर ये चलता नहीं था बिल्कुल भी। जैसे ही ऑनलाइन आता था इसकी बहुत बुरी हालत होती और ये मात्र 15 या 20 दिन में मर जाता था। और मैंने वैसे भी इस प्लांट के साथ देखा, इसे पानी धूप ये मतलब इसके भी नखरे बहुत हैं, गार्डेनिया रुद्राक्ष की तरह इसके भी नखरे बहुत हैं। तो यह है स्वर्ण चंपा, ये येलो रंग की स्वर्ण चंपा है, और ये कन्फर्म है येलो स्वर्ण चंपा, क्योंकि जब मैं इसे लेके आया था इस पर एक फूल खिल रहा था। तो मैं इसको मेरे विश लिस्ट में था, मैंने नर्सरी से रिक्वेस्ट करके मंगाए थे, तो वो मेरे लिए 3 प्लांट लेके आया था, पर मैंने 2 ही ले पाया क्योंकि इसका प्राइस उसने मुझे बहुत ज़्यादा बताया था, 400 रुपये का एक बताया था। फिर बार्गेनिंग करते करते वो 350 रुपये आया, तो ये 700 रुपये में मैंने 2 प्लांट लिए थे। एक तो इस पॉट में लगा हुआ है क्योंकि ये पॉट खाली था इसलिए मैंने इसमें लगा दिया था, इसका रूट बॉल भी काफ़ी बड़ा था। दूसरा इसके लिए मैंने एक पॉट खरीदा था वही 60 रुपये वाला, और ये देखिए दूसरे वाला यही रहा। तो ये दोनों प्लांट मुझे 700 रुपये के पड़े थे, पर इसके लिए अगर वो मेरे से 1000 या 1500 भी लेता ना मैं दे देता, क्योंकि ये मेरे को ये प्लांट बड़ा पसंद है। मेरे पास इसका वाइट है, और जब वाइट वाले का फ्लावर खिलता है ना बहुत ही खुशबू आती है मेरी छत पे, और उसके लीफ भी बड़े प्यारे हैं। मैं मतलब वो मेरा फेवरेट प्लांट बन चुका है। तो बार बार एक मन में जिज्ञासा रहती थी कि यार येलो वाले की खुशबू से भी ज़्यादा बताते हैं तो कैसी होगी। तो फिलहाल येलो वाले मुझे मिल चुके हैं, और दोनों के दोनों ग्राफ्टेड हैं। ये देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन ये रहा इसका, उसका ग्राफ्टेड पोर्शन तो देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है दूर से। तो ये दोनों के दोनों प्लांट मेरे को थोड़े कॉस्टली मिले, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने उसे बोल दिया था तू जितने का प्लांट लगाएगा मैं उससे ज़्यादा तुझे पैसे दूंगा, तो शायद उसने लिए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्लांट अगर आपके मनपसंद का मिल जाए ना तो पैसे नहीं दिखते। फिर ये प्लांट तो मैं एड लेयरिंग करके या फिर ग्राफ्टिंग करके अपना आप भी थोड़े से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है इससे। और फिर हम अगले प्लांट पे जाते हैं। ये मैंने एक और प्लांट बनाया है, मंगाया है ऑनलाइन, ये मुझे केरल से आया है मेरे पास। ये है अवाकाडो का प्लांट। इससे पहले भी मेरे पास एक अवाकाडो का प्लांट था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, कम से कम 3 या 4 फीट का। पर मैंने जैसे फरवरी में आते हैं सभी प्लांट की कटिंग करते हैं, मैंने उसको भी ट्रिम कर दिया, पर उसमें जो ड्राई बैग लगा वो रुका ही नहीं, वो रुकते मतलब ड्राई बैग लगते लगते वो मर गया। तो मैंने दोबारा से मंगाया एक अवाकाडो का प्लांट, और ये उसने मुझे बोला बड ग्राफ्टिंग है, पर मुझे लगता नहीं बड ग्राफ्टिंग है, सीड से ही ग्रो लग रहा है मुझे। तो देखते हैं, अभी फिलहाल ये जब आया था तब इसकी भी लीफ सारी गिर गई थी, एक भी लीफ इस पे नहीं बची थी। दोबारा मैंने इसको छोटे से पॉट में लगाया क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है कि जो ऑनलाइन प्लांट मंगाओ ना उसे छोटे से पॉट में ही लगाओ, एकदम से बड़े पॉट में ही लगाना, और इसे जितना कम न्यूट्रिशन दो जितना कम देखभाल रखो उतनी अच्छी है बाकी इसकी।
तो मैंने इसे वही रखा, अभी छेंच के पॉट में लगा दिया है और अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। देखिए ऊपर की तरफ भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और नीचे की तरफ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अभी जो मेरा कलेक्शन है ये हाल फिलहाल मैंने 2 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा कलेक्शन इकट्ठा किया है और सारे के सारे अच्छे प्लांट हैं। गुलाब तो देखिए अभी मैं धूप में रखने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होगा। इन प्लांट का जो भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। थैंक यू।